जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी बीमार, पिछड़े और गुंडागर्दी वाले प्रदेश में होती थी, आज भी उत्तर प्रदेश अब असीम संभावना वाला प्रदेश बन चुका है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जिसे कभी आप माफियाओं के गढ़ के नाम से जानते थे, पर उसकी दशा और दिशा दोनों बदल रही है। ऐसे में सबसे पहले बात करें ऑटोमोबाइल की, तो इसकी शुरुआत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से ही हो चुकी है। सम्मेलन में अकेले ऑटोमोबाइल क्षेत्र को 12,321 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे अब लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में ऑटोमोबाइल यूनिट स्थापित किए जाएंगे, जिससे 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, लखनऊ में 350 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक बसों का प्लान, आगरा में 8,200 करोड़ रुपए से ई व्हीकल प्लान, तो वहीं दूसरी ओर रेल विकास निगम लिमिटेड झांसी में 2,840 करोड़ रुपए से रेल के LHB कोच और ट्रैक वर्क के प्रोजेक्ट का प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कुल 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने संग 2.4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसी क्रम में यूपी में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लखनऊ और हरदोई के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए के खर्च से लगभग 1000 एकड़ में PPP मॉडल पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करेगी। इस पार्क को केंद्र ने मंजूरी देने संग 500 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है, उसे देखकर कोई शक नहीं है कि यूपी की ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका भविष्य क्या है। जनता ने भी 2017 के बाद बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी है और यह ठान लिया है कि जन जन की यही पुकार, हर बार चाहिए भाजपा सरकार।